हेलो एवरीवन अ वेरी गुड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइटनिंग मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स सो टुडे आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है बट कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कि कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस के अंदर होती हैं उन सारे टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसके बाद में एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इनके अलग अलग टाइप्स का ठीक है सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को बट बिफोर दैट इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड आर टुडे सेशन तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कितने तरीके की कम्युनिकेशन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखी जाती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाई जाती हैं सो so हमने जो हमारे टाइप्स को है वो ऑन द थ्री बेसिस के ऊपर हमने उसको बाइफोकेट किया है द नंबर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द सेकेंड वन इज ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें कि किस तरीके का हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंगली वी हैव द टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ लाइक जहाँ पे हम एक प्रॉपर अथॉरिटी को फॉलो करते हैं जहाँ पे हम एक प्रॉपर चैनल ऑफ़ कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं प्रॉपर हैरारकी को फॉलो किया जाता है लाइक like, जैसे हमारा सबसे ऊपर आते हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट देन मिडिल मैनेजमेंट देन लोवो मैनेजमेंट तो हमेशा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इट्स लाइक बिटवीन द बॉस एंड द एम्प्लॉय कौन किसका बॉस है किसका सबॉर्डिनेट है इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ वही कम्युनिकेशन होता है विच इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग और द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गनाइजेशंस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन का पास ऑन होता है ठीक है बहुत ही स्ट्रिक्ट बहुत ही रिजिड कम्युनिकेशन होता है बट टू द पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन चलता है कोई भी इंफॉर्मेलिटी का एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है एक प्रॉपर हिरारकी एक प्रॉपर चैनल को क्रॉस करते हुए हमारी इंफॉर्मेशन आगे पास होती है और सिर्फ वही इंफॉमेसन पास होती है विच इज़ रिलेटेड टू द फंक्शनिंग एंड दी ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट्री होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारा एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है एक प्रॉपर हिरारकी है जिसको हमें फॉलो करना होता है लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ समट लाइक अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कलीग्स आपस में डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द लंच टाइम ड्यूरिंग द फ्री टाइम्स जब वो थोड़ा सा उन्हें अपना पर्सनल स्पेस मिलता है जब वो अपने पर्सनल इशूज़ डिस्कस करते हैं कुछ अपने पर्सनल लेवल पर बातें डिस्कस करते हैं एक दो फ्रेंड्स हो सकता है वो ऑफिस के अंदर कलीग हैं बट ड्यूरिंग द लंच टाइम या आउटसाइड द ऑफिस वो एक बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो वो जो उनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो दोनों एक दूसरे के सुपीरियर से ऑर्डिनेट हों बट दैट इज़ वो जो डिस्कशन होगा वो होगा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन बट अगर एक प्रॉपर चैनल फॉर्म नहीं होता है एक हरार की फॉर्म नहीं होती है और कुछ नॉर्मल डिस्कशंस हो रहा है कुछ अपने पर्सनल गॉसिप्स डिस्कशंस हो रहे हैं कुछ रैंडम बातें डिस्कस हो रही हैं दैट इज़ नोन एज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है हमारा उसके ऊपर हमारे दो टाइप्स आते हैं एक आता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक आता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अब जो हमारा सेकेंड टाइप है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कि जो कम्युनिकेशन का फ़्लो ऑफ डायरेक्शन है वो किस फॉर्म में है इसके अंदर हमारे पास होते हैं बेटा थ्री टाइप्स द नंबर वन इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन द सेकेंड वन इज़ हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन एंड द थर्ड वन इज़ डाइग्नल कम्युनिकेशन आप सबसे पहले समझते हैं हम वर्टिकल कम्युनिकेशन को वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन को हम इंटर स्केलर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं सबसे पहली चीज़ इंटर स्केलर कम्युनिकेशन मतलब जब किसी दो ऐसे लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल्स पे हैं एक सुपीरियर है और एक सबॉर्डिनेट है उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन राइट अगेन हमने वर्टिकल को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एक होता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन और एक होता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है जब हमारी डायरेक्शन फ़्लो होती है फ्रॉम द बॉटम लेवल से ले टॉप लेवल तक जैसे कि जो हमारे वर्कर्स हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ले जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है हमारे टॉप मैनेजमेंट तक अब लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ से टॉप लेवल तक कौन सी इन्फॉर्मेशन पास होगी जैसे हमारे कंप्लेंट्स सजेशंस, ग्रीवियंसिस कोई नोटिस आया था उसका रिस्पॉन्स ये सारी चीज़ें जब हमारे लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जाती हैं जिसको अपवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है विच इज़ नोन एज द वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब जब उन दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल्स पे हैं ठीक है ऐसे ही डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जब हमारे कम्युनिकेशन फ्लो होता है फ्रॉम अपवर्ड मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जैसे कोई सर्कुलर आया कोई नोटिस आया रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं पॉलिसीज़ हैं प्रोसीजर्स हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आते हैं उसको बोला जाता है वर्टिकल कम्युनिकेशन अब जो हमारा सेकेंड टाइप है दैट इज हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन का जो दूसरा नाम है इसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और इसको हम इंट्रा स्केलर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं मतलब अगर ऐसे किसी दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पर हैं सपोज जैसे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी है एच का डिपार्टमेंट भी है राइट right? तो एच मैनेजर फाइनेंस के मैनेजर से बात कर रहा है दोनों का जो लेवल ऑफ पोजीशन है वो दोनों सेम है दोनों ही मैनेजीरियल पोजीशंस पे वर्क करते हैं बट वो दूसरे डिपार्टमेंट का है वो दूसरे डिपार्टमेंट का है तो इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है दैट इज नोन एज हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन और लेटरल और इंट्रा स्केलर कम्युनिकेशन क्लियर अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा दैट इज डायग्नल कम्युनिकेशन डायग्नल कम्युनिकेशन का एक दूसरा नाम क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी होता है डाइगनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोई भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स नहीं है आपस में सपोज एच आर मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी इम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर रहा है ऑल दो वो मैनेजर है और वो इम्प्लॉय है लेकिन दोनों के डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है कोई मतलब ठीक है वो सुपीरियर है बट अगर हम फॉर्मली देखें फॉर्मली डिस्कस करें तो उसका जो सुपीरियर है वो तो कोई और है फाइनेंस का मैनेजर लेकिन एचआर का मैनेजर किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के छोटे एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो उसको बोला जाएगा डाइग्नल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन मतलब जिसमें आपस में कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच डायरेक्ट सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप नहीं है उसको बोला जाता है डाइग्नल और द क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन एंड द लास्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन किस तरीके से हमने अपनी बात को बोला है दैट डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ एक्सप्रेशन राइट तो उसमें हमारे पास दे आर द थ्री टाइप्स ओरल कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन एंड द जेस्टरल कम्युनिकेशन तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है वेन वी स्पीक और कम्युनिकेट थ्रू सम अदर पर्सन थ्रू द स्पोकन वर्ड्स हमने कुछ ओरली चीज़ें को कम कम्युनिकेट करा है सपोज हमारा मैनेजर आया कोई इन्फॉर्मेशन हमें बता के चला गया दैट इज़ नोन एज औरल कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन हमने उसी बात को एक नोटिस की फॉर्म में तैयार करा और उसको लगा दिया एक सर्कुलर की फॉर्म में तैयार करा नोटिस बोर्ड पर लगा दिया दीजा नोन एज रिटर्न कम्युनिकेशन जब हम अपनी बातों को इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेट करते हैं ठीक है एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन जेश्रल कम्युनिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ साइन लैंग्वेज कभी कभी uh, क्या होता है इसे हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं राइट अगर हम अपने नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग की बात करें क्लासरूम टीचिंग में जब लेक्चर इज़ गोइंग ऑन तो फैकल्टी पढ़ा रहा है बच्चे सुन रहे हैं राइट वो भी तो एक कम्युनिकेशन हो रहा है फैकल्टी आप लोगों को कोई इनफॉमेसन दे रहा है कोई टॉपिक समझा रहा है दैट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स राइट तो अब बीच बीच में स्टूडेंट्स अपने जो सर हैं वो नॉट हेड नाट करते हैं थोड़े से एक्सप्रेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं एक इंट्रैक्शन बना रहता है कि हाँ स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर हो रही है उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है राइट right? तो जेशुरल कम्युनिकेशन जब हम कुछ बोल नहीं रहे हैं कुछ लिख नहीं रहे हैं बट हम अपने जेस्चर से हम अपने एक्सप्रेशन से अपने इशारों से अपनी बातों को समझा पा रहे हैं उसको रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं ठीक है दैट इज़ नोन एज जेसरल कम्युनिकेशन तो हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है वो हमने डिस्कस कर लिया है थ्री टाइप्स होते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे पास टू टाइप्स होते हैं एक होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन की बात करें अगेन देर आर द थ्री टाइप्स वर्टिकल जिसको हमने आगे दो पार्ट्स में बाइफोकेट किया है अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड देन हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन एंड द लास्ट वन इज डायग्नल कम्युनिकेशन एंड द लास्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन दे आर वी हैव द थ्री टाइप्स ओरल कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन एंड द जेशल कम्युनिकेशन अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स करवाऊंगी और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स कराऊंगी कि अब फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम आगे और कितने टाइप्स पे स्टडी कर सकते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी आगे किन किन टाइप्स में ऑर्गेनाइजेशन्स के अंदर देखा जाता है टिल देन अगर किसी कोई डाउट है यू कैन मैंशन इन द कमेंट बॉक्स वी विल डिस्कस एनआवर नेक्स्ट वीडियो Till then take care and stay safe.